बिल्कुल धड़ल्ले से बिकती है ये गाड़ी सीएनजी में और काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड में है। पूरी कंप्लीट गाड़ी की आज वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो वीडियो को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से पीएस मोटो हब में। और आज हमारे सामने एक बहुत ही बढ़िया सीएनजी कार है, जैसा आप सभी देख पा रहे हो, बिल्कुल धड़ल्ले से बिकती है ये गाड़ी सीएनजी में और काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड में है। पूरी कंप्लीट गाड़ी की आज वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना आपका ज़रूर बनता है। और आप देख सकते हो आगे टच स्क्रीन में इंस्टॉल हुआ है इस गाड़ी में, तो पूरे फिटमेंट का कॉस्ट आज हम इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। और यहाँ आप देख सकते हो पूरी एक्सेसरीज रखी हुई हैं, बाहर भी एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड है, डोर वाइज़र वगैरह, मड फ्लैप्स वगैरह, तो आज सब चीज़ हम लोग जानेंगे। और करीब करीब 12 से 14,000 यूनिट्स इसकी हर महीने बिक रही हैं भाई इस सीएनजी कार की। और माइलेज फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो भाई 32 का माइलेज आपको सीएनजी वेरिएंट में मिलता है। तो जाहिर सी बात है भाई, आप सारी गाड़ियों को छोड़ के इन गाड़ियों को लेना पसंद करेंगे। और वो आपके सामने खड़ी है डिज़ायर वाली सीएनजी, ये खड़ी है अर्टिगा की सीएनजी जैसा आप देख पा रहे हो। तो भाई वीडियो अपना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेरे हिसाब से काफ़ी लोग जान गए होंगे कि हम किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन एक बढ़िया सी स्पेशियस 5 सीटर है और ये मारुति का टॉल बॉय है जैसा आप सभी जानते हैं। तो भाई काफ़ी सारी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और इस गाड़ी में कीलेस एंट्री का भी इंस्टॉलेशन हुआ है जो मैं आपको दिखा दूं, ये वन टच लॉक एंड अनलॉक के साथ। हालांकि अभी बूट ओपन है तो ये सब चीज़ें वर्क बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। और सीएनजी की भी लोगो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो बूट को हमारे हिसाब से बंद करना चाहिए। और आपको गाड़ी की पूरी डिटेल्स हम वीडियो में, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस विद ऑल दी कॉस्टिंग ज़रूर बता सकें। और अगर आप इस गाड़ी को लेने का विचार कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो भाई कैमरे का फिटमेंट भी आप देख सकते हो यहाँ पर हुआ है, तो मतलब पूरा ही काम हो गया है। बस इस गाड़ी में अभी किस बात की कमी है वो मैं आपको बता दूँ, तो भाई इसमें गाड़ी में बस अभी पावर विंडोज़ की कमी है जो आपको रियर में होनी चाहिए इस जगह, बस आपको यहाँ पर मैनुअली वाली हाथ वाली है। तो ओवरऑल ये है गाड़ी का मैग्मा ग्रे कलर जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। वाइट के बाद अगर कोई गाड़ी मुझे अच्छी लगी है तो भाई वो मैग्मा ग्रे कलर की वैगनार की सीएनजी वेरिएंट है। स्पॉइलर की भी आप देख सकते हो कितनी बढ़िया फिटिंग हुई है कंपनी में। ये आपको स्पॉइलर जो है ना, ये आपको बढ़िया सा फिटमेंट के साथ आया है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई। कुछ भी कहिए, ग्रे कलर का कोई भी जवाब नहीं है। और अगर आप इस गाड़ी को बाय करने का सोच रहे हैं, फॉर श्योर आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। और मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या ज़रूरी लगवाना चाहिए और नहीं लगवाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी काम हम शुरुआत करते हैं इसकी की से। तो भाई इसकी कीलेस एंट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप देख रहे हो सेंट्रल लॉकिंग का सिस्टम है जो गाड़ी में इंस्टॉल हुआ है मारुति में ही अपने। और मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ, तो आप देख सकते हो साइड बीडिंग है, ये इसके मड फ्लैप्स हैं। कॉस्टिंग हम लोग वीडियो के एंड या मिडल पे ज़रूर जानेंगे, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। फ्रंट में कोई भी खास चेंज नहीं है यहाँ पे। और मैं आपको डोर वाइजर्स मैंने आपको बता ही दिए थे। रियर डोर को जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस गाड़ी के जो है ये इसके नीचे की फ्लोर मैट्स रखी हुई हैं। और यहाँ पर इसके बढ़िया से PU वाले सीट कवर्स, वो भी लेदर अपहॉल्स्ट्री के हैं। रियर पार्सल ट्रे भी इस गाड़ी में अलग से इंस्टॉल करी गई है। और यही सब इस गाड़ी के पूरी एक्सेसरीज़ हैं। और मैं आपको टच स्क्रीन की बात कराना बिल्कुल भूल गया, टच स्क्रीन भी आपको इस गाड़ी का ज़रूर दिखा देते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। तो भाई कैनवुड का इसमें टच स्क्रीन वाला सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, हालांकि ये इतना ही स्मूथ तो नहीं है लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ओके सा है। और बहुत देर तक जब आप इस गाड़ी में ये टच स्क्रीन कौन रखेंगे तो स्क्रीन थोड़ी सी गर्म हो जाती है, ये मैंने भी नोटिस किया है। तो बात करते हैं भाई सबसे पहले टच स्क्रीन के कॉस्ट की, तो अराउंड करीब 16,000 का ये टच स्क्रीन का इंस्टॉलेशन हुआ है। बाकी जो आप डिस्काउंट करा लें वो आपके ऊपर है। और सीएनजी वेरिएंट में आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको वन टच ऑपरेटिंग वाली पावर विंडोज़ केवल आपको फ्रंट में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। एडजस्टेबल स्टीयरिंग नहीं आता, वो आपको VXI में आएगा। और मैं आपको बता दूँ तो इंटीरियर पे इसमें और कुछ चीज़ इंस्टॉलिंग नहीं हुई है। आप कंपनी से इंटीरियर स्टाइलिंग किट
मेरे हिसाब से अगर आप पैसे थोड़े से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। हालांकि कोई इसकी खासी नीड मुझे नहीं महसूस होती है, लेकिन पावर विंडोज़ की भाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रियर सीट्स में पावर विंडोज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा मस्ट हैं कुछ ऐसी CNG कार में। तो भाई चलते हैं हम लोग। अब मैंने इसकी कॉस्टिंग आपको ज़रूर बता दी है, बाकी ये 400 रुपये का आता है, ये भी आपका ऐसे ही है अराउंड 300 या 400 रुपये का। तो अब बात करते हैं डोर वाइजर्स की। तो अराउंड करीब यहाँ पे कंपनी में 1600 रुपये के डोर वाइजर्स लगते हैं, और ये स्पॉयलर जो है 5000 रुपीज़ का है। और मैं आपको कॉस्टिंग बताता जाऊँ तो भाई कैमरे का फिटमेंट भी इसी के इंक्लूड था, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। और बाकी इसमें आप मड फ्लैप्स देख सकते हो ना, ये वाले मड फ्लैप आपके करीब करीब यहाँ पे, ये भी हमारे हिसाब से 1200 रुपये के इन्होंने लगाए हैं, तो काफ़ी ठीक है। साइड बिडिंग वगैरह क्लाइडिंग वगैरह भी हुई है, इसका भी कॉस्ट आपको बता दें तो अराउंड करीब करीब 3200 रुपये की ये पड़ी है। तो ओवरऑल ये सब वर्क है, और बाकी गाड़ी में और मेरी समझ से और कोई ज़्यादा वर्क यहाँ पे नहीं हुआ है। कीलेस एंट्री का इंस्टॉलेशन भी अराउंड 10000 के आसपास हुआ है, जो आप देख सकते हो, इसकी भी कॉस्टिंग मैंने आपको बता ही दी है। और स्टेयरिंग वाला जो कवर है ये भी अराउंड 500 रुपीज़ का रैप होता है यहाँ पे। तो करीब मारुति की जो एक्सेसरीज़ हमें पड़ती हैं, और मैंने आपको इसके सीट कवर्स की कॉस्ट नहीं बताई है, वो भी आपको बताना ज़रूरी है। तो करीब करीब आप देख सकते हो 2990, 3000 रुपये का ये सामान है, 7200 का ये सामान है, 7, 3, 10 और 10, 20, मतलब अराउंड 40000 रुपीज़ का एक्सेसरीज़ का पैकेज इस गाड़ी का बना है। तो करीब 7 लाख के ऊपर ही चली गई है इस गाड़ी की पूरी पूरी कॉस्ट, जो मैं आपको मैं ऑन रोड बता देता हूँ, क्योंकि भाई बेसिक एक्सेसरीज़ के साथ ये गाड़ी हमको पड़ती है करीब 7 लाख रुपये की। तो और हमने इस गाड़ी में टच स्क्रीन और आपका जो है कीलेस एंट्री बढ़वाया, तो करीब 25000 रुपये और लग गया, जिससे इस गाड़ी की जो पूरी कॉस्टिंग बैठ गई है करीब 7.25 की हो गई है भाई। अगर पावर विंडोज़ कराने बैठते तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी की कॉस्टिंग जा सकती थी करीब 7,40,000 रुपये। तो भाई गाड़ी थोड़ी सी महंगी हो जाती है इस जगह, जब आप इस गाड़ी में फुल वर्क कराते हैं। तो भाई ये था अपना एक पूरा एक मारुति की वैगनार का एक ओवरऑल पूरा मैंने कॉस्टिंग आपको बता दी है, और इसका एक और मैं आपको बता दूंगा, एक अगला वीडियो मैं बना के दूंगा, जिसमें आप जो है CNG कार का पूरा देख सकते हैं कि भाई मारुति में आपको क्या क्या एक्सेसरीज लेनी चाहिए। हालांकि इस गाड़ी में तो फिटमेंट हो चुकी है, कोई बात नहीं भाई, जब देखा जाएगा तो अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि भाई मारुति से आपको क्या क्या लेना चाहिए। इस गाड़ी में मुझे कुछ चीज़ें वर्थ नहीं लगी हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में हमने केवल कॉस्टिंग वगैरह कवर करी है। तो भाई वीडियो को जो है एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।